नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में, प्रदेश की अहम खबरें। आज संविधान दिवस है। हम करोड़ों भारतवासियों के सशक्तिकरण का दिन, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए संविधान निर्माताओं का पुण्य स्मरण किया। आइए सुने स्वतंत्र भारत का अपना संविधान बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान निर्मात्री सभा की बैठक में दिसंबर 1947 को क्या कहा था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। In this country, there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the state or such other areas as care to join United India. These autonomous units will have full power. They will have also residuary power. At the top and over the provincial units, there will be a union government having certain subjects for legislation, for execution and for administration. इसी नींव पर बना है भारत का संविधान। संविधान में गहरी आस्था रखने वाले मुख्यमंत्री गहलोत सार्वजनिक मंचों से अक्सर कहा करते हैं, संविधान का क्या महत्व है वो बताने की आवश्यकता नहीं, और विशेष रूप से हमारे मुल्क का संविधान जो बना दुनिया भर के मुल्कों के संविधान का अध्ययन होकर के इसके बाद में बनाने वाले आज हमारे बीच में ही है जाट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है और उसी रूप में संविधान बनाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार यहाँ पर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका काम कर रही है और संतुलन रखने का प्रयास किया गया। चुनौती की आई होगी तब भी हमारे यहाँ संविधान की मूल भावना के आधार पर शासन प्रशासन न्यायपालिका अपना काम कर रही है, लोकतंत्र कायम रहा, इसका श्रेय संविधान को जाता। संविधान ने एक ओर हमें शक्तियाँ और अधिकार दिए हैं तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। इनके प्रति सजग रहने के उद्देश्य से आज प्रदेश भर में शपथ कार्यक्रम हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने गुजरात दौरे में एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा देने वाली अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया है। इन योजनाओं से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हमने जो इसकी मनाई है, एक से बढ़ के एक स्वास्थ्य सेवाएं हो बिल्कुल फ्री कर दी है सब लोगों के लिए जो कहीं नहीं देश के, बिजली फ्री देने की बात की गई है। इंदिरा रसोई शहरों के अंदर हमने देखा 8 रुपए में खाना दे रहे राजस्थान के अंदर, नहीं का ज्यादा गांव में, वैसे ही शहरों में भी रोजगार के लिए 100 दिन की गारंटी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान ने ओपीएस की पेंशन दी है, पुरानी पेंशन। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उठाई है। नई दिल्ली में प्री बजट चर्चा के दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इसके लिए केंद्रीय बजट में विशेष मदद का प्रावधान रखा जाए। पूर्वी राजस्थान नहर बनने से 13 जिलों के लाखों लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नगरीय विकास मंत्री ने जीएसटी मुआवजा जल्द जारी करने और कोटा में हवाई अड्डा बनाने का प्रावधान इसी बजट में करने का भी अनुरोध किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार हवाई अड्डे के ये जमीन पहले ही मुहैया करा चुकी है। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर जिले के तेजरासर में राजकीय बालिका विद्यालय में कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद किया और उन्हें बताया कि ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सांस्कृतिक उत्सव भी मनाया जाएगा। गहलोत सरकार बेरोजगारी पर लगातार प्रहार कर रही है। हाल ही जोधपुर और जयपुर में हुए मेगा जॉब फेयर के बाद अब बीकानेर में 28 और 29 नवंबर को जॉब फेयर होगा, जिसमें देश की नामी कंपनियां मौके पर ही प्लेसमेंट देंगी। 10 से ज्यादा सेक्टर्स की 50 से ज्यादा कंपनियों की ओर से रोजगार के 10,000 से ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। अलवर में चल रहे मत्स्य उत्सव में जहां संस्कृति के विभिन्न रंग नजर आ रहे हैं, वहीं पर्यटन विभाग 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। सुजस आवाज राजस्थान में अरिंदम और सालेहा से सुनते रहिए प्रदेश की हाइलाइट्स। नमस्कार।